हेलो एवरीवन, दिस इज रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। देखिए, मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का एक और वीडियो आज ही मैं अपलोड कर रहा हूँ। मे बी आपको कल सुबह तक आप देखें इसे, ठीक है। सेम डे में मुझे लगा कि एक वीडियो और ज़रूरी है। दो तीन प्रूफ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जिन्हें मैंने डायरेक्टली बता दिया है, उन्हें मैं प्रूफ में बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा एक यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लैमिना है, यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लैमिना के केस में हम लोग उसका लैमिना मतलब एरिया होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म है मतलब वो परफेक्टली इवनली सेपरेटेड है, मतलब उसके अंदर की जो भी मटेरियल उसे लगाया गया है और उसे बनाया गया है वो परफेक्टली डिजाइंड है, ठीक है। कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं लगाया गया, एग्जैक्टली, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब हमें इसके बारे में इसका हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसमें क्या चीज़ें हमें देनी हो मिलेंगी, क्या चीज़ें उन्हें देनी चाहिए। तो देखिए, पहले तो हम कुछ इसका इसको मार्किंग कर लेते हैं। ये लेट से ए बी सी है, इसका हम लोगों ने डायरेक्टली याद किया हुआ है, जो कि 1/6 एम टोटल मास है, पी स्क्वायर, और पी क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब इस परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। अगर ये लेंथ हमें गिवन है स्मॉल पी, ठीक है, तो हमें ये निकालना है। लेट से ये ए एन कर लेते हैं इसे भी, ठीक है। और हमें वी वॉन्ट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी सी, बी सी के अबाउट हमें, एक बेस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। और एक तरीके से समझ लो कि यही प्रूफ करना है। 1/6 एम पी स्क्वायर है ना, इसका एम टोटल मास है, ठीक है। और हमें करना क्या होता है, देखिए, ये टोटल में एक हमें एलिमेंटल मास लेना होता है, और एलिमेंटल मास शुरुआत से मैंने समझाया हुआ है जो फर्स्ट वीडियो थी। एलिमेंटल मास इसलिए लिया जाता है, और ऐसा लिया जाता है जिससे कि हम इस पूरे एरिया को कवर कर सकें, और 3D में है तो पूरे वॉल्यूम को कवर कर सकें। तो और ऐसा आपको एलिमेंटल लेना है जिसके बारे में आपको पूरी की पूरी खबर हो। तो एक काम करते हैं, इसमें एक ऐसा 2D हम क्या कर रहे हैं, हमने एक काम किया है कि इसमें एक स्ट्रिप टाइप ले लिया, एक रेक्टेंगुलर मास ले लिया हमने, एलिमेंटल मास। तो यहाँ पे एक एलिमेंटल जो मास है, एलिमेंटल मास हम लोगों ने क्या ले लिया, पी क्यू, ठीक है। और ये क्या कैसा है, रेक्टेंगल के टाइप का, ठीक है। कई सारे बड़े छोटे, देखिए, अब ये रेक्टेंगल ऑटोमेटिक जब नीचे आएगा तो ये ऑटोमेटिक बड़ा होता जाएगा, ऐसे बड़ा होता जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा ये पूरे को कवर कर लेगा, और ऊपर जाएगा तो छोटा होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक, तो हमें क्या करना है, इसी को कवर करते जाना। और हमें पता है कि अगर हम वो पूरा निकालेंगे, m का r से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एक चीज़, एक काम करते हैं कि थोड़ा सा हमें BC के अबाउट फाइंड आउट करना है, तो ये स्ट्रिप की जो हाइट है BC से, वो हम लोग y लेट कर लेते हैं। ये कितना है y, ठीक है, ये y लेट कर लिया। और क्या लेना है, ये जो हमारा, और ऊपर से इसकी लेंथ यहाँ पे x है, ठीक है। ये बेस हमारा दिया हुआ है, बेस कितना है a। तो ये सारी चीज़ें लिख लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूफ में आया हुआ है, ठीक है, इसलिए मुझे कराना ज़रूरी समझा मैंने। पिछले वीडियो में तो हम लोगों ने उसका बेसिक पढ़ा है केवल, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, वो तो MCQ बेस पे ज़रूरी है, और ये लॉन्ग के बेस पे। मैंने बताया था लॉन्ग और MCQ जो जो चैप्टर बचे हैं साथ में कराने की कोशिश करेंगे, जितने हो सकेंगे इस टाइम पीरियड में, अच्छे से अच्छे जो पेपर में आपको मैक्सिमम आप कर पाएँ, ठीक है। कोशिश तो पूरी है, अब आप लोग जब पेपर लेके आएंगे तब आप लोग खुद बताएंगे कि कितना आया नहीं आया, ठीक है। अच्छा, देखिए, तो एलिमेंटल आपने मास पी क्यू ले लिया, ठीक ना। अब एक काम देखिए, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, इसमें सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्राइंगल आपको ए पी, लेट से इसे मान लो कुछ इस पॉइंट को आर मान लो, ठीक है। एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा इन, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए पी सी, इन दोनों की बात करें तो देखिए दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे, ये हमने पैरेलल बनाया, पी क्यू को बी सी के पैरेलल बनाया। अब तो होगा क्या, देखिए ए पी की जो लेंथ है वो ए एन की लेंथ के रेशियो का इक्वल आएगा, पी क्यू अपॉन बी सी के। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट व्हाट, ए पी इज एक्स एंड ए एन इज
स्मॉल पी, पी क्यू नहीं पता है, पी क्यू ही रहने देते हैं, और जो हमारा बी सी है वो ए है। सो हेयर वी कैन गेट पी क्यू एज ए एक्स बाई पी, इसका यूज़ होगा आगे, ठीक है। अच्छा भाई अब देखते हैं, अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, एम आई हम लोग जैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं सिग्मा लगाते हैं, एलिमेंटल मास लेते हैं और उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। तो उसके डिस्टेंस मतलब एलिमेंटल मास कितनी डिस्टेंस पे है भाई, चलिए दिखाता हूँ। अगर आपको पी टोटल नोन है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो टोटल पी है ना, यहाँ से यहाँ तक की टोटल पी है, ठीक है। पी और एक्स में अगर रिलेशन करना हो हमें, तो पी में से अगर मैं एक्स माइनस कर दूँ, ठीक है, वाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वाई को शायद लेट भी नहीं करना पड़ेगा, हाँ सही बात है। सो वाई आप हटा सकते हैं, रुकिए मैं हटा ही देता हूँ, वाई की ज़रूरत नहीं है, हटा सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा तो हम क्या करेंगे, हमें लेंथ कितनी चाहिए भाई, बेस बी सी के अबाउट चाहिए हमें, तो बी सी से पी क्यू की दूरी कितनी आई, फिर पी में से एक्स को माइनस कर दें। अच्छा भाई चलिए देखते हैं, तो पी पी में से एक्स को माइनस कर देते हैं, सो ये क्या हो जाएगा हमारा पी माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, और आपको पता है मास जो डेंसिटी होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है या फिर मास अपॉन एरिया होता है, अकॉर्डिंग टू टू वन डी टू डी, और मास अपॉन लेंथ भी होता है। वन डायमेंशन के लिए ये है, टू डायमेंशन के लिए ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, थ्री डायमेंशन के लिए ये होता है। आई होप कि आप सभी को पहले से पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैंने इससे पहले की वीडियोस में सब बताया हुआ है। तो इस केस में क्या होगा भाई, ये तो 2D है, 2D स्ट्रक्चर है, तो डी एम अगर मैं यहाँ पे डी लगाना चाहोगे तो ये इधर चला जाएगा और डेल्टा डी भी हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर करना क्या है, जान सके डी एम की जगह पर क्या आ जाएगा, सिग्मा डी, और यहाँ पे भाई वी नहीं वॉल्यूम नहीं है तो ए हो जाएगा डी ए, और डी ए किसका चाहिए हमें, स्ट्रिप का चाहिए। स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या है, स्ट्रिप हमारी ऐसी है इस तरीके से है ना, और स्ट्रिप के बारे में हमने क्या दिया भाई, उसके अगर अगर ऐसे में आप एक सेकंड दिखाई देता हूँ, ऐसे अजीब लगेगा आपको, देखिए स्ट्रिप दिखिए आपको, स्ट्रिप आपकी ये है, ठीक है, और स्ट्रिप जब ये है तो स्ट्रिप ये है आपकी, तो स्ट्रिप कैसी है भाई, देखिए स्ट्रिप में देखिए लेंथ कैसी है x, तो ये छोटा सा पार्ट जो होगा वो dx होगा, मतलब इसकी लेंथ जो होगी वो dx होगी है ना, अरे लेंथ बोल रहा हूँ विड्थ, चौड़ाई, चौड़ाई इसकी dx होगी, इतनी छोटी सी जो पतली सी स्ट्रिप है, और ये इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या, वो पी क्यू है। तो देखिए तो पी क्यू इंटू रेक्टेंगुलर है ना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गई इसकी पी क्यू, और पी क्यू लेंथ हो गई, और इसकी मोटाई dx होगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। तो चलिए भाई चीज कर लेते हैं, सो सिग्मा बाहर कर दे रहे हैं, और ये अपना होगा डी ए, मतलब डी ए मतलब क्या था, हाँ पी क्यू इंटू dx, और ये हमारा पी माइनस एक्स होल स्क्वायर होगा। अभी जो सिग्मा बाहर निकाला है, सिग्मा का फॉर्मूला वैसे देखा जाए ओवरऑल में, तो ओवरऑल में सिग्मा का क्या फॉर्मूला होगा भाई, टोटल मास अपॉन एरिया है ना, एरिया कितना है भाई इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो हो गया। अब इसे इंटीग्रेशन में आप कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, इंटीग्रेशन कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट क्या लेंगे, देखिए आप जब यहाँ पे आपकी स्ट्रिप थी, कहाँ पे स्ट्रिप, जब आपकी यहाँ पे थी, मान लीजिए स्ट्रिप यहाँ पे बना दी मैंने, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, जीरो। यहाँ पे स्ट्रिप जब आपकी बेस पे थी तो वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू यहाँ पे हो गई x इज इक्वल टू जीरो, और जब वैल्यू यहाँ पहुँचाएंगे हम लोग तो x इज इक्वल टू पी हो जाएगी, तो दोनों वैल्यूज मिल गई। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है, सो जीरो से लेकर के पी तक, इजंट इट। अच्छा उसके बाद हमें क्या करना है, पी क्यू हमने कहाँ से निकाला था भाई, पी क्यू उठा के रख दो, पी क्यू अभी जस्ट निकाला था भाई, देखो ना पीछे, ए एक्स अपॉन पी रख देते हैं, पी क्यू हमारा ए एक्स अपॉन पी, और ये हमारा पी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हमारा आगे डी एक्स, क्यों भाई। अब जो पी है उसको बाहर करो, जो जो बाहर हो सकता है उसे बाहर करो, जो कट रहा कैंसिल करो, ए से कट, तो पी 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 स्क्वायर होगा, टू एम अपॉन पी स्क्वायर बाहर हो गया, क्योंकि भाई ये सब कॉन्स्टेंट है, पी एक परफेक्ट लेंथ है,
और ये 0 टू पी तो है ही हमारे पास। उसके बाद हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स टाइम्स पी माइनस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन भी बताना पड़ेगा क्या, मेरे ख्याल से बताना तो नहीं चाहिए, आप लोग कर लेंगे। तो जैसे सॉल्व करेंगे देन यू विल डेफिनेटली गेट दी आंसर विच इज़ 1/6 टाइम्स एम इंटू पी स्क्वायर। क्लियर है भाई, एकदम क्लियर है। अब एक और मैंने बताया था इसके बाद, एक सॉलिड स्फेयर का, सॉलिड स्फेयर का जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था मैंने 2/5 इंटू ए पावर 5। ठीक है, चलिए उसको भी प्रूफ उसका देख लेते हैं। देखिए एक सॉलिड स्फेयर आपके सामने आ गया, इसका हमने आंसर आपको बताया था 2/5 इंटू ए पावर 5। ओके, 5 नहीं, एक सेकेंड, पावर 2। पिछली वाली वीडियो में मैं शायद थोड़ा गड़बड़ लिख गया क्या, पावर 2 होगा। ठीक है, 5 कहाँ से हो जाएगा, अभी देख दिखाते हैं आपको, प्रूफ दिखाते हैं इसका, तो आपको क्लियर हो जाएगा फिर। देखिए अब हमको इसको तो कवर तो करना है, ठीक है, तो हमें काम क्या करेंगे, देखिए बड़ी ही सिंपल सी बात है, ध्यान सुनेगा। इसका रेडियस जो है भाई, रेडियस ए मान लेते हैं, कैपिटल ए नहीं स्मॉल ए। ठीक, अब हम इसे ऐसा इसमें से एक कट करेंगे, सॉलिड स्फीयर है ना, इसमें से एक हम शेल कट करेंगे। शेल, शेल मतलब ऐसे करके एक मोटी सी परत इसकी अंदर से कट करेंगे। ठीक, समझ पा रहे हो, जैसे बॉल जब आपने कभी खेली होगी, वो जब दो टुकड़ों में बट जाती है, तब देखने में पता चलता है कि ये तो पूरी भारी गेंद थोड़ी थी, ये तो एक कटा हुआ केवल दो सर्कल के बीच का वो था पार्ट। तो उसी पार्ट को हम लोग स्फेरिकल शेल बोलते हैं, जो भरा हुआ नहीं होता है और 3D होता है, उसे हम स्फेरिकल शेल बोलते हैं। अब आप सोचिए, उस स्फेरिकल शेल को हम बहुत छोटा कर दें और फिर उसके ऊपर लेयर बाय लेयर बाय लेयर 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 करते चले जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा वो खुद एक सॉलिड बन जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर हम ये कहें, सॉलिड किससे बना है, एक स्फेरिकल शेल से बना है, और स्फेरिकल शेल जो छोटा वाला था, सबसे छोटा वाला, वहाँ पे रेडियस की वैल्यू 0, और जब वो सबसे बड़ा वाला था तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमारी रेडियस की वैल्यू ए हो जाती है। देखिए इसी पे हमें बात करनी है, इसी का हमें यूज़ करना है, क्योंकि एलिमेंटल मास क्या लेंगे, एलिमेंटल मास हम लोग लेंगे वही जो भी मैंने बताया, क्या एलिमेंटल जो हम मास लेंगे वो हम क्या लेंगे, एलिमेंटल मास एक हमारा होगा स्फेरिकल शेल। ठीक है, शेल SH0 पता है, ओके, स्फेरिकल शेल लेंगे। अब स्फेरिकल शेल आप लोगे तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए अगर हम एक तरीके से थोड़ी देर के लिए ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसकी रेडियस r है, ठीक है, यहाँ रेडियस हमारी क्या है, स्मॉल r, और ये जो इसकी मोटाई है ये कितनी है dr, और इस स्फेरिकल शेल को हम काट करके सामने रख दें अगर, तो एक ऐसे चौड़ी सी पट्टी मिलेगी आपको, है ना, जिसमें ये आपका dr होगा और ये जो बाहर की है वो एक तरीके से देखा जाए तो उसकी परिधि यानी एक सरकमफेरेंस होगी, है ना, और ये तो परिधि की केवल लंबाई होगी, लेकिन अगर हम वैसे बात करें 2D में बात करेंगे तो 2πr होगा, लेकिन ये स्फेरिकल शेल है, ये स्फेरिकल शेल खुद में भी क्या होगा, एक 3D ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे 2πr हटा करके हमें क्या लेना चाहिए, इसका इसका कर्व सरफेस एरिया, जो जो पूरा एरिया, और आपको पता है शेल में केवल एक ही एरिया होता है जो कि 4πr स्क्वायर, इसको आप चाहे कर्व बोलो चाहे टोटल बोलो। तो एलिमेंटल के बारे में बात हमको पता चल गई, है ना। अब देखिए इसकी लेंथ 4πr स्क्वायर एक तरीके से समझ लीजिए और इसकी विड्थ dr समझ लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑटोमेटिक हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा इतने पार्ट का, ये जो शेल बनाई है हम लोगों ने। ठीक है, हम मैंने क्या किया, इसी शेल को काट करके ऐसा बना दिया। अब देखिए बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखिए बड़ी सिंपल सी बात, वही सिग्मा ऑफ dm ऑफ r स्क्वायर, है ना, dm ऑफ r स्क्वायर, तो कर लेते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए dm क्या है, dm हमारा वही है सिग्मा वाला सीन, सिग्मा इंटू डी और वी आर स्क्वायर, तो अपनी जगह ठीक है। अब सिग्मा फेंक दिया बाहर उठा करके, सिग्मा लग गया, डी वी मतलब डी वी का सीन क्या होगा, देखिए डी वी अपना वापस से वही है, वॉल्यूम कितना है भाई इसका, कितना है वॉल्यूम, मतलब ये डी वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे इसकी बात कर रहा है, क्योंकि इसी में तो डिफरेंस आ रहा है, क्या हमारे गोले में डिफरेंस आ रहा है, नहीं, हमारा डिफरेंस शेल पे आ रहा है और शेल हमारा यहाँ बना हुआ है। इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमारा डी वी जब आएगा तो डी वी वी
हमारा जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर के साथ डी आर का मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक आर स्क्वायर और भी है भाई। और जो बाहर सिग्मा है वो परफेक्ट वाला सिग्मा है, वो पूरे गोले की बात करेगा। ये हमेशा हमने यही किया भी है हमेशा, ठीक है। काफ़ी एरोज बन गए, उनको इरेज कर देते, इरेजर है, इरेजर इरेजर इरेज कर दिया, काफ़ी एरोज बन गए, ठीक है। ठीक, अब इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, एक सेकेंड, अभी तो ये इसको भी गायब कर देता। सिग्मा की वैल्यू वही अपना, सिग्मा मतलब हमारा डेंसिटी है, पूरे पूरे स्फेयर की डेंसिटी, पूरे स्फेयर की डेंसिटी मतलब एम, मैंने बताया था ना हार्ड बनाकर बीच में से कट कर, एम अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है भाई, 4/3 और पाई आर क्यूब, ये तो होता है। और यहाँ आर की जगह क्या है, आर तो भैया ए है, सॉलिड है ना, पूरे की बात है, तो कॉन्स्टेंट है 4/3। तो चलिए इसको रख देते हैं और इंटीग्रेट करके अपना काम कर लेते हैं। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमारी लिमिट क्या होगी, 0 से लेके ए तक, चलिए करते हैं, चलिए देखते हैं। तो होगा क्या, एम आई, हमारा एम आई होगा, सो क्या होगा भाई, एम अपॉन 4/3 पाई ए क्यूब। और इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से लेकर के ए तक, और इंटरनल क्या गया था, इंटरनल 4 पाई, 4 पाई को भैया आप बाहर कर देंगे और अपना हो जाएगा r/4 dr, ठीक है। तो देखिए 4 पाई हो गया बाहर, ठीक है, r/4 dr, ठीक है। अच्छा अब देखो जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 चला गया ऊपर, 3m/a³, और ये a/5/5 आ जाएगा, a³ कैंसिल हो गया, तो 3/5 ma² मैंने बताया था ना ये आएगा, एक सेकेंड। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, क्या रह गई है, जो स्फेरिकल शेल होता है हमारा, उसका खुद का जो हमारा स्फेरिकल शेल होता है, वैसे मैंने बताया हुआ है पिछले की वीडियो में, हॉलो स्फीयर की तरह से बताया। स्फेरिकल शेल जो होता है वो हॉलो स्फेयर की तरह होता है, और उसका खुद का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/3 ma² होता है। तो ये जो एम ए स्क्वायर के साथ 2/3 का रेशियो है, ये 2/3 का रेशियो यहाँ भी चलता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है, जब आपने स्फेरिकल शेल लिया एक हमारा एलिमेंटल मास, तो 2/3 यहाँ पे साथ साथ में चलता रहेगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2/3, ठीक है, तो 2/3 मैं बाहर भी कर देता हूँ, ठीक। सो ऐसा ही केस में यहाँ पे भी 2/3 बाहर चलेगा हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक। सो यहाँ पे भी 2/3 मिलेगा आपको, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा, यू विल गेट द आंसर व्हाट, हाँ 2/5 और ma², ठीक है। दिस वॉज द आंसर विच वॉज रिक्वायर्ड टू प्रूफ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। एक और है बट वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है मेरे ख्याल से, वो जहाँ तक नहीं आना चाहिए, जो लास्ट वाला मैंने बताया था, जो कि लास्ट वाला था ना सॉलिड इलिप्सॉइड था, वो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जितने भी मैंने बताए हैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन हैं, चाहे ये जो 3 प्रूफ थे, ये तीनों प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर वॉट, फॉर लॉन्ग, ध्यान रखिएगा, इसे भी लॉन्ग के तरह से इसका प्रूफ, फिर उसके बाद हमारा ये जो यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लैमिना है इसका प्रूफ, ठीक है, लॉन्ग के पर्पज़ से, याद रखिएगा लॉन्ग के पर्पज़ से, इन दोनों को मैंने इसीलिए बनाया बताया है, वरना मैं इसको लास्ट वीडियो में ही कवर कर दिया था इसको शॉर्ट तरीके से बताकर। तो लॉन्ग चाहिए अपने को, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छोटा सा लॉ है जो राउत ने दिया हुआ है, RoutH, राउत्स लॉ, क्या होता है ये जरा सुनते हैं, छोटी सी चीज़ है, छोटा सा फॉर्मूला है, इसलिए बता दे रहा हूँ बाई चांस MCQ में पूछ लिया जाए। तो इनके हिसाब से जो हमारा एक सिंपल बॉडी, अगर कोई भी है सिंपल बॉडी, मतलब कोई भी सिंपल सी बॉडी है, सिंपल बॉडी है एंड वी वॉन्ट टू फाइंड इट्स अ सिंपल बॉडी, एंड इफ वी वॉन्ट टू फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट
एनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, एनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब, अरे भाई अगर आप सर्कल को बीच में से कट करो, चाहे यहाँ से कट करो, तो इधर से कट करो तो लेफ्ट राइट सेम है, तो यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये भी है और ये भी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट विल बी व्हाट, मास तो होता ही है, मास इनटू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर व्हाट, सेम ही एक्सिस, सेम ही एक्सिस मतलब आधी एक्सिस का ही एडिशन लेना, अपॉन 3 या फिर 4 या फिर 5, 3 या फिर 4 या फिर 5, कौन क्या रखना होगा, कौन सा नंबर रखना होगा, तो नंबर हिसाब अपने हिसाब से कैसे रखना है कि जब 3 होगा, जब 3 होगा तो क्या होगा, एक सेकेंड, जब 3 होगा याद रखिएगा, ये ऐसे भी पूछ सकता है, जब 3 होगा हमारा तो रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर बॉडी होगी, 4 होगा तो हमारा क्या होना चाहिए, इलिप्स होगा, ओके, और जब 5 होगा तो इलिप्सॉइड होगा, इलिप्स का 3D वर्जन, इजंट इट। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के दो केसेस उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, एन इलिप्टिक क्वाड्रेंट अबाउट इट्स एक्सिस, कह रहे इलिप्टिक क्वाड्रेंट ले लो भैया, ठीक है, तो ये अगर आपको याद हो तो सिर्फ इतने की बात कर रहा है, अगर हम इसे ऐसे ऐसे करके ले जाएं तो इलिप्स बन जाएगा, लेकिन हमें उसकी बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ क्या करना है, ठीक है, एक इलिप्टिक क्वाड्रेंट लेते हैं, और ये हमने क्या लिया, ये इसकी ए लेंथ है, इधर बी लेंथ है, ठीक है, स्ट्रिप हम कुछ ऐसे ले लेते हैं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये स्ट्रिप हमारी होगी, स्ट्रिप कैसी है, वही है हमारी, ये क्या नाम है, रेक्टेंगल के टाइप की, ठीक है। सो इसमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, देखिए ध्यान सुनिए, अब जब प्रोडक्ट है तो भाई प्रोडक्ट जो होता है वो एरिया को शो करता है, और हमने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें डबल इंटीग्रेशन भी उसी चीज़ को शो करता है, ठीक है, साथ ही साथ dx dy, अच्छी बात है, अच्छा, और अगर इसकी एरिया की बात करें तो x इंटू वाई साथ में आएगा, ठीक, और मैं तो ऐसे रो लिखता हूँ, सिग्मा यहाँ पे रो बना के दिया है, मतलब एक तरीके से डेंसिटी को शो करता है, यहाँ पे आप इसको रो भी लिख सकते हो या आपकी बुक में लिखा हुआ मिल सकता है डेंसिटी यहाँ पे, ठीक है ना, अच्छा, अब देखिए रो बाहर आ जाएगा, और जो हमारी जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट्स क्या होंगी, देखिए वाई की लिमिट्स और एक्स की लिमिट्स होगी, वाई कहाँ से जा रहा है, वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और ऊपर में कहाँ तक जा रही है, ऊपर में वाई, वाई तक जा रही है, वाई क्या मतलब, वाई मतलब कर्व पे है ना, और जो हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 और यहाँ पे ए, तो ये तो कांस्टेंट लिमिट है, ठीक है भैया, रो हो गया बाहर, ठीक है, और ये होगा 0 से ए, ये होगा 0 से वाई, ठीक ठीक है ना, अब एक बार ही आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम लोग ऐसे इंटीग्रेट करते हैं तो बाद वाला पहले होता है, मतलब हम हमारे लिए अभी एक्स कांस्टेंट है जब हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाई टू, अब क्या करना है हमें, अगर हमने इंटीग्रेट कर दिया है तो यहाँ से जो लिमिट हमारी है वो हटेगी, ठीक, और हमारी लिमिट लग जाएगी इस पे, और क्या लिमिट है, 0 से वाई, और ये बचा डीएक्स, कुछ ही छूट तो नहीं रहा, हाँ सिग्मा, ये सिग्मा इसकी क्या वैल्यू, सॉरी रो है, रो और सिग्मा से एक ही बात है यहाँ पे, डेंसिटी की तरफ से लिया गया, ठीक है, सो रो यहाँ पे क्या होगा, एलिप्टिक है भाई, तो मास अपॉन पाई ए बी, तो इसका एरिया होगा, लेकिन ये क्वाड्रेंट है ना, तो 1/4 हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन जैसे आप करोगे तो देखिए एक 1/2 तो बाहर आ गया, और आप एक तरीके से वाई स्क्वायर भी बाहर ही ले लो, है ना भाई, नहीं वाई स्क्वायर बाहर लेने का कोई मतलब नहीं है, देखिए 0 से ए, एक्स इंटू वाई स्क्वायर और डी एक्स, अब ये जो इलिप्स है ये कौन सा वाला इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू ही निकाल लो सबसे बढ़िया, क्यों भाई, देखिए यहाँ से हम लोग वाई स्क्वायर की अगर वैल्यू देखें तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 - x² / a² × b², सो इसे हम पुट कर देते हैं, सो दिस इज 1 - x² / a² और
यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में बी स्क्वायर और ये डी एक्स होगा, जो कॉमन बाहर आ सकता है उसे कर दीजिए, जो कट सकता है काट देते हैं, तो यहाँ 2m अपॉन पाई ए पी, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी बाहर आ जाए तो अच्छा ही है, ठीक है, जो कटेगा काट देंगे। ये आपका 2 है भाई, एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका होगा डी एक्स, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देते। आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट वॉट, देखिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पी आई, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सब कुछ कैंसिल करने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद, इतना तो आप कर ही लेंगे। यू विल गेट वॉट एम ए बी अपॉन टू पाई, ठीक है। और अगर यहीं पे ही एक बात मैं ऐड करूं, इफ ए इज इक्वल टू बी, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सर्कुलर क्वाड्रेंट, ठीक है, सर्कुलर, अगर हम सर्कुलर क्वाड्रेंट ले लें तो यही हमारा पी आई क्या जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई टू पाई, इजंट इट, ठीक। दोनों को याद रखना है, ये भी याद रखना है, प्रूफ भी बता दिया और शॉर्ट एमसीक्यू के पर्पस पे भी बता दिया। एक और देखते हैं, देखिए इस वाले पॉइंट में बोला है कि सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, मतलब आधी डिस्क है, और उसने बोला क्या, देखिए इसे बोला टेंजेंट कुछ करके बोला है ना, बोला कि अबाउट दी डायमीटर एंड इट्स टेंजेंट एट एंड, ठीक है, तो भैया ऐसा सर्कल लेना है जिस पे टेंजेंट बन जाए, मतलब ये वाले की बात करने चाह रहा है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डायमीटर तो है ही, डायमीटर अब जान ही रहो 2a होगा भाई, और देखिए एक एक्सिस इसके टेंजेंट पे है, एक एक्सिस जो है वो टेंजेंट बना रही है, ये वाली वाई एक्सिस जो है, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो हमारा, अगर पोलर फॉर्म बात करें हम, तो पोलर से इसको मैं बताने जा रहा हूँ, वैसे आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा होता है, ठीक है। सो ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया देखिए बात करते हैं, अगर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात करें हम, तो अगर इसे आपको याद हो पोलर फॉर्म से करते थे तो एंगल लेते थे और क्या लेते थे, तो देखिए पोलर के केस में जब मुझे इसे हाफ अगर कवर करना है, अगर मुझे इसे हाफ कवर करना होता, क्योंकि सिर्फ इतना हिस्सा कवर करना है मुझे, इतना पार्ट है ना, तो ये इसमें क्या होगा, देखिए आर की वैल्यू यहाँ पे तो 0 है, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2a cos थीटा, क्योंकि ये किस पे आ गया, ये तो हमारे सर्कल पे आ गया, और एंगल की बात करें यहाँ पे 0 डिग्री होगा और यहाँ पे पाई बाई टू, तो यहाँ पे भी अगर हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात करें, मतलब दो इंटीग्रेशन लें, तो क्या क्या होगा, देखिए पहला इंटीग्रेशन दूसरा इंटीग्रेशन, पहला इंटीग्रेशन में 0 से 2a cos थीटा और दूसरा इंटीग्रेशन में 0 से π/2, उतने में वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अंदर क्या होगा, देखिए अंदर मैंने बताया था रो होता है, डीएक्स डीवाई होता है, डीएक्स डीवाई को जब हम लोग चेंज करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि एक्स वाई पहले चेंज करें, एक्स बराबर क्या होता है r cos थीटा, वाई बराबर r sin थीटा, और डी एक्स डी वाई का मतलब r dr dθ, याद होना चाहिए कि जब भी हम लोग रेक्टेंगुलर एक्सिस को पोलर एक्सिस में चेंज करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, तो डी एक्स डी वाई की जगह r dθ dr आता है, या r dr dθ आता है। यहाँ पे रो जो है, रो हमारा क्या है, रो क्या है, वही डेंसिटी है ना, ये रो इज द डेंसिटी, मास पर यूनिट डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया, यू कैन से दैट, ठीक है। सो अब ये काम करते हैं, यहाँ पे कुछ जो बाहर आ सकता है उसे सॉल्व करके बाहर कर लेते हैं, है ना। सो देखिए पहले तो रो बाहर आ गया, अब जो जो बच रहा है भाई उसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या सॉल्व करने का है, 0 से 2a cos थीटा, तो देखिए r पावर तो 3 है, और ये साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी आर और डी थीटा, तो देखिए r के रिस्पेक्ट में तो आप कर सकते हैं पहले, क्योंकि ये r की लिमिट है, तो जैसे आप r की लिमिट को करेंगे तो क्या होगा, देखिए बताता हूँ, अब जैसे करेंगे तो देखिए 4 रो a पावर 4 हो जाएगा, उसे एक बार इंटीग्रेट कर लेगा, सिर्फ थीटा बचाइएगा, तो यहाँ बचे कितना, साइन थीटा और कॉस की पावर 5, क्यों, क्योंकि भाई r पावर 4 हो जाएगा ना, और r r में क्या है, कॉस है, तो साइन कॉस 4 बार और आ जाएगा। अब इसे जब इंटीग्रेट करेंगे, तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में बीटा एंड गामा फंक्शन का फॉर्मूला था, तो उसे अप्लाई करेंगे आप, और जैसे आप अप्लाई करेंगे यू विल गेट दी आंसर, एंड व्हाट इज द आंसर, ये काम करते हैं, यहाँ पे रो की वैल्यू रख देते हैं, एम अपॉन सर्कल का एरिया
हाफ पाई ए स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ए पावर 4, और इसे जब सॉल्व करेंगे देन व्हाट वी विल गेट इज, ठीक है, ये तो 1/6 आएगा इसका सिंपल सा, ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार आप, ठीक ना। सॉल्व जैसे करेंगे तो देखिए 2 3 6 और ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, देन क्या आएगा आंसर, एम ए स्क्वायर और 4/3 पाई, ठीक। तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क अबाउट द डायमीटर एंड टेंजेंट एट एंड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ कवर करेंगे, इसके कुछ एक आध बेसिक पॉइंट, और फिर हमारा एमसीक्यू आएगा और वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। होपफुली कल ये चैप्टर ख़त्म भी कर दूँ मैं, ठीक है, होपफुली। फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लिए मेहनत की जा रही है, एक दिन में दो दो वीडियो दी जा रही है, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट आप लोग का मैं बहुत शिद्दत के साथ पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि कोई किसी ने कमेंट किया है तो मुझे रिप्लाई करना चाहिए। सो आई वॉन्ट दोज ऑल वर्क डन फ्रॉम यू, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल मैथवेद पर। थैंक यू।